मॉर्निंग फ्रेंड्स, बहुत सारे रिजल्ट्स ऐसे होते हैं पैराबोला में, दीज आर कंसिडर्ड इनटू द हाइलाइट्स। सो लास्ट लास्ट ऑफ आवर टॉपिक इन द पैराबोला इज द हाइलाइट्स ऑफ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ पैराबोला। सो हर एक रिजल्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, और दीज आर द थियोरेटिकल ऑल्सो एज वेल एज वो उसमें से कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी क्रिएट कर सकता है। तो इन रिजल्ट्स को मैं वन बाय वन सबको डिस्प्ले करूंगा और उन रिजल्ट्स को हम समझेंगे, एंड देन दैट पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट्स। देन इन लास्ट आई एम गोइंग टू टेक द मिसलिनियस क्वेश्चंस, राइट, बेस्ड ऑन ऑल दीज रिजल्ट्स एंड क्वेश्चंस व्हिच आर नॉट कवर्ड इन एनी टॉपिक ऑफ पैराबोला, राइट। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है, पॉइंट्स ऑन द पैराबोला नॉर्मल्स एट व्हिच आर कॉन्करेंट आर कॉल्ड द को नॉर्मल पॉइंट ऑफ पैराबोला। पॉइंट्स पी पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर द को नॉर्मल पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला। ये पॉइंट ये है कि मान लीजिए पैराबोला गिवन है एंड एट द पैराबोला, राइट, इफ यू ड्रॉ द नॉर्मल्स फ्रॉम द थ्री पॉइंट्स, नॉर्मल्स फ्रॉम द थ्री पॉइंट्स, लेट से दिस इज द वन ऑफ द पॉइंट, और एक सेकेंड पॉइंट और जनरेट किया जा सकता है, इस पे टेंजेंट ड्रॉ किया और टेंजेंट से नॉर्मल ड्रॉप किया, राइट, एंड अगेन वी कैन क्रिएट द वन मोर पॉइंट, और वो पॉइंट यहीं कहीं ले लेते हैं, ठीक है। सो लेट से दिस इज द थर्ड पॉइंट वेर द टेंजेंट इज ड्रॉन, सो एंड एट द टेंजेंट द नॉर्मल इज ड्रॉन, राइट। सो तीनों नॉर्मल्स एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, और ये पॉइंट्स ये हैं आपके x1 y1। लेट से दिस इज द क्यू पॉइंट, इस पॉइंट को यहाँ पे हाईलाइट करना है, दिस इज द क्यू पॉइंट x2 y2 एंड दिस इज द आर पॉइंट x3 y3, राइट। सो नॉर्मल्स एट दिस पॉइंट मीट्स एट द सिंगल पॉइंट एंड दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द नॉर्मल्स, और ये नॉर्मल जो ड्रॉप किए हैं इनके स्लोप्स मान लीजिए सपोज करो m1 m2 m3 होंगे। तो इस तरह से हम जो नॉर्मल की इक्वेशन लिखते थे, क्यूबिक इक्वेशन लिखते थे, दैट इज y इक्वल्स टू mx -2am -am³, राइट। और इस इक्वेशन को अगर आप चाहें तो उस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, मतलब एम क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा am³ प्लस सपोज वी टेक दिस दिस साइड, सो m³ प्लस m into 2a - x + y = 0, राइट। सो बिकॉज ये देखिए क्यूबिक इक्वेशन है, एम की क्यूबिक इक्वेशन की तरह से देखना है इसको, तो इसमें तीन वैल्यूज होंगी एम की। सो लेट m1 m2 m3 बी थ्री रूट्स, राइट, थ्री रूट्स, और दीज आर द स्लोप्स ऑफ द नॉर्मल। ये हमने इनिशियली जब नॉर्मल की इक्वेशन लिखी थी तो वहां पे हमने ये चीज स्टेट किया था मैंने, एंड इट इज देयर दैट थ्री वैल्यूज ऑफ एम आर द स्लोप ऑफ थ्री नॉर्मल्स, राइट। सो एम इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, या स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें अगर हम लिखना चाहेंगे तो कई सारे रिजल्ट्स लिख सकते हैं, और ये जो तीनों नॉर्मल्स हैं को नॉर्मल पॉइंट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, दे मीट एट द सिंगल पॉइंट, सो दिस इज द कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री नॉर्मल्स, दिस इज कॉल्ड द कॉन्करेंसी ऑफ थ्री नॉर्मल्स, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री नॉर्मल्स, ऑल द थ्री नॉर्मल्स आर मीटिंग एट द वन पॉइंट, राइट। और इससे रिलेटेड बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, वो हम वन बाय वन यहीं पे इनको लिखते हैं। सो ये रिजल्ट्स यूजफुल है। देखिए यहां से आप एक चीज जनरेट कर सकते हैं, सम ऑफ स्लोप लिख सकते हैं, क्यूबिक इक्वेशन की तरह से देखेंगे, m1 + m2 + m3, और दैट इज इक्वल्स टू -b/a। अगर आपको एक क्यूबिक इक्वेशन याद है, सो दिस इज द ax³ + bx² + cx + d = 0, और इसमें जो सम ऑफ रूट्स लेते थे दैट इज द -b/a, तो यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ थ्री नॉर्मल इज इक्वल टू 0। देखिए एक एक पॉइंट जो हम हाईलाइट की बात कर रहे हैं, हाईलाइट्स हैं एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, और ये सारे रिजल्ट कोई ना कोई क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना चाहिए कि बाय ईच रिजल्ट
क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड, और वो सवाल जो है किसी भी फॉर्म में बना के उसको पूछा जा सकता है। तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, सम ऑफ स्लोप्स ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू जीरो, बिकॉज दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन इन दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन इन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एम, सो एम की क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये भी लिखा जा सकता है। देखिए सेकेंड होगा एम वन एम टू प्लस एम टू एम थ्री प्लस एम थ्री एम वन एंड दिस इज इक्वल टू माइनस बी, और फिर एम में आता है प्लस सी बाय, सो दिस इज टू ए माइनस एक्स, टू ए माइनस एक्स बाय ए। सो सेकेंड पोर्शन इज जब प्रोडक्ट का लेंगे माइनस देन हियर इट इज प्लस, सो जो एक्स का कॉफिशियंट है यहाँ एम का कॉफिशियंट बनेगा एंड दिस इज बाय ए, राइट। एंड थर्ड इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री, प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री मीन्स एम वन एम टू एम थ्री एंड दैट बिकम्स अगेन दिस इज गिव, दिस गिव द सम एंड देन प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ टू एंड इट गिव द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री, सो माइनस प्लस माइनस माइनस डी बाई ए लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस माइनस वाई बाय ए, सो दिस गिव द प्रोडक्ट ऑफ ऑल थ्री, राइट। सो बिकॉज हेयर इट इज द कॉन्स्टेंट टर्म, वाई को हम कॉन्स्टेंट की तरह से लेंगे, हम एम की क्यूबिक इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, एम वेरिएबल है हमारे लिए और वाई और एक्स वेरिएबल जो है जस्ट लाइक कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। सो दिस इज द दीज आर द थ्री रिजल्ट्स, और पॉइंट ये है सेकेंड पॉइंट, आप यहाँ से रिजल्टेड ये लिख सकते हैं दीज आर द थ्री रिजल्ट्स। फोर्थ वन ट्राइंगल, दिस इज द सेंट्रॉयड ऑफ द ट्राइंगल, सेंट्रॉयड सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर फॉर्म्ड बाय पी क्यू एंड बाय थ्री को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स लाइज ऑन एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस ऑफ पैराबोला, राइट। देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट है जो कि रिवील करता है, बोलता है कि सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल पी क्यू आर, बिकॉज दीज आर द थ्री पॉइंट्स, मान लीजिए ये तीन पॉइंट्स हैं पी क्यू एंड आर, सो द ट्राइंगल इज फॉर्म्ड हियर, और वो जो ट्राइंगल बन रहा है उसका सेंट्रोइड, सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं, सेंट्रोइड अगर आप लिखाएंगे सेंट्रोइड लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री डिवाइडेड बाय थ्री एंड वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय थ्री, सो द प्रॉपर्टी सेज दैट दैट सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय द थ्री को नॉर्मल पॉइंट्स लाइज ऑन द वाई एक्सिस, तो जब ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वाई लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्स एक्सिस पे हम एक चीज जानते हैं कि इस पैराबोला के लिए पैराबोला आपका स्टैंडर्ड पैराबोला ही है, दिस इज द सेम पैराबोला वाई स्क्वायर फोर ए एक्स, इसी के सारे रिजल्ट्स की बात चल रही है, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर पैराबोला में जो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस इसकी मेन एक्सिस होती है, उस पर वाई जीरो होता है, तो ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका वो जीरो पुट करना पड़ेगा, दैट इज वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री डिवाइडेड बाय थ्री इक्वल टू जीरो, और वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल टू जीरो, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट इन अ पैराबोला, डायरेक्टली यू कैन राइट द सम ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द को नॉर्मल पॉइंट्स इक्वल टू जीरो, राइट। कोई भी क्वेश्चन बना सकता है यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ बनता है आपका, जहां भी जितने भी हम रिजल्ट्स रख रहे हैं उन सभी रिजल्ट्स से कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, ये मैं वन बाय वन सारे रिजल्ट्स आपको एक एक डिस्प्ले करूंगा, उन रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो ये याद रखने के हैं सारे। दिस इज द फोर्थ पॉइंट, राइट। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये रहेगा, फोर्थ फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट रिलेटेड टू दिस कंडीशन, जो हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर बाय बाय थ्री को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स इज डबल, दिस इज डबल ट्वाइस, दिस इज ट्वाइस
ट्वाइस द एरिया फॉर्म्ड बाय थ्री टेंजेंट्स एट को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स। अब देखिए ये पॉइंट ये है कि इसमें हमने टेंजेंट्स जो बनाए थे, और यहाँ मुश्किल दिख रहा है मुझे थोड़ा सा, ये इसका एक टेंजेंट था, सेकेंड इसका टेंजेंट था, और आपका फर्स्ट वाला ये टेंजेंट है, सेकेंड टेंजेंट ये है, और इस ट्राइंगल को अगर हम नेमिंग दे दें, दिस इज अवर क्यू पॉइंट, इसको हम अंदर कर दें, क्यू पॉइंट है, एंड दिस पॉइंट इज आर पॉइंट, ये मेंशन है यहाँ पे, दिस इज पी क्यू आर पॉइंट्स, राइट, दीज आर द थ्री पॉइंट्स, और उनके को नॉर्मल पॉइंट्स पे, को नॉर्मल पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो एक और ट्राइंगल क्रिएट होता है, दिस ट्राइंगल, राइट। सो दिस इज पी क्यू आर, एंड लेट्स से दिस इज एल एम एन, एल एम एन इज अनदर ट्राइंगल इज फॉर्म्ड हियर, इस ट्राइंगल के बीच में बोल रहा है द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बाय द थ्री को नॉर्मल पॉइंट्स इज ट्वाइस द एरिया ऑफ फॉर्म्ड बाय द थ्री टेंजेंट्स एट द को नॉर्मल पॉइंट्स। तो हम इस रिजल्ट को ऐसा लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज टू टाइम्स देन एरिया ऑफ ट्राइंगल एल एम एन, दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टी, और वो डायरेक्टली आपको ये बोल सकता है कि को नॉर्मल पॉइंट्स गिवन हो, एंड फाइंड आउट द ट्राइंगल फॉर्म्ड एट द इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन एट द को नॉर्मल पॉइंट्स, को नॉर्मल पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट बनाएंगे तीनों, सो ऑल द थ्री टेंजेंट्स आर ड्रॉन, सो आउटसाइड देर विल बी एन ट्राइंगल, उसका एरिया जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर बनाया है, को नॉर्मल पॉइंट्स पे ट्राइंगल बनाया है, उस ये इसका एरिया डबल होता है इस ट्राइंगल एलिमेंट के एरिया से, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट, एंड डेफिनेटली क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड हियर ऑल्सो, राइट। दिस इज फिफ्थ पॉइंट, एंड सिक्स वन इज, देखिए एरिया ऑफ सिक्स नंबर पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, नाउ दिस कैन बी गिवन बाय 1/8a, देयर इज अ फॉर्मूला डायरेक्टली यू कैन यूज दिस, y1 माइनस y2, y2 माइनस y3 एंड y3 माइनस y1, इन सब के प्रूफ्स भी हैं, लेकिन नो नीड टू रिमेम्बर द प्रूफ्स बिकॉज देयर सो मेनी हाईलाइट्स आर देयर, वो सब मैं 1/1 सारे रिजल्ट्स आपको भी रिवील करूंगा, तो इट इज मीन्स नॉट पॉसिबल टू गिव प्रूफ फॉर एवरीवन, राइट। तो ये हाईलाइट्स हैं, ये याद रखनी जरूरी है, आप इस ट्राइंगल का एरिया लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, यही आएगा, ठीक है, और उसको डिटरमिनेंट मेथड से निकाला जाता है, देर इज एन अ प्रूफ अवेलेबल इन बुक्स बट वी आर नॉट टेकिंग दिस, राइट। दिस इज सिक्स रिजल्ट, एंड वन मोर पॉइंट, सेवन, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर अगेन कैन बी गिवन बाय, अगर मान लीजिए तीनों पॉइंट्स हैं, इफ थ्री पॉइंट्स आर गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, a t1 स्क्वायर t8 t1, एंड सेकेंड पॉइंट इज गिवन एज द क्यू, सपोज यहां लिख देता हूं मैं, दिस इज द क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट जो कि आपका x2 y2 था, उसको a t2 स्क्वायर 2a t2 अगर से लिखता है सेकेंड पॉइंट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में, एंड r पॉइंट इज देयर, और r पॉइंट को सपोज a t3 स्क्वायर एंड 2a t3 से मेंशन करते हैं, दीज आर सपोज कन्वर्टेड इनटू द पैरामेट्रिक फॉर्म, सो द एरिया इज गिवन बाय द ए स्क्वायर, दिस इज दिस बिकम द ए स्क्वायर t1 माइनस t2, t2 माइनस t3 एंड t3 माइनस t1, एंड दिस इज द एरिया इफ ऑल थ्री को नॉर्मल पॉइंट्स आर गिवन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, तो उस तरह से एरिया डायरेक्टली आपको याद रखना है, इस तरह से दिया जाएगा, ठीक है। सो दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ द पैराबोला, इसके बाद में एक और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे, देखिए सेकेंड पॉइंट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंड हाईलाइट, नाउ इफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, इफ टेंजेंट्स एंड नॉर्मल एट पी पॉइंट, एट पी
ऑफ पैराबोला, अ पी ऑफ पैराबोला इंटरसेक्ट्स द एक्सिस एट टी एंड जी देन दिस इज वन ऑफ द रिजल्ट. सपोज पैराबोला गिवन है और इस पैराबोला के किसी पॉइंट पे पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया है. टेंजेंट इज ड्रॉन एंड द नॉर्मल इज ड्रॉन, राइट. सो इट इज इंटरसेक्टिंग एट द टी पॉइंट और नॉर्मल जो ड्रॉप किया है वो सपोज जी पॉइंट पे उसको इंटरसेक्ट करता है, ठीक है. एंड लेट्स से एस इज द फोकस ऑफ द दिस पैराबोला. एस इज द फोकस, इसको भी ज्वाइन करेंगे, राइट. एंड वी कैन राइट डाउन दिस फोकस, आप लिख लेंगे ए कॉमा जीरो, राइट. एंड देर इज अ रिलेशन बिटवीन दीज लेंथ्स. तो इसमें ये होता है एस टी इक्वल्स टू एस पी इक्वल्स टू एस जी. नाउ देर इज देन एस टी इक्वल्स टू एस टी इक्वल्स टू एस पी इक्वल्स टू एस जी. एस जी दिस इज द इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, राइट. सो पर्टिकुलर ये पॉइंट भी आपको याद रखना है. एस टी लिखा है मैंने, एस जी एंड एस पी ऑल थ्री आर इक्वल इन लेंथ, वेयर एस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला, राइट. दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट हाईलाइट. कोई भी जो हाईलाइट्स है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है, ही कैन क्रिएट एनी क्वेश्चन, राइट. तो वहां से सवाल बनाया जा सकता है कि ये लेंथ यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया है तो बताइए इसकी फोकस से इसका डिस्टेंस बताइए कितना होगा. सो उस फोकस से अगर पॉइंट ये गिवन है तो आप ये वाली डिस्टेंस निकाल के उस डिस्टेंस को इसके इक्वल बता सकते हैं, बिकॉज ऑल दीज थ्री डिस्टेंसेज आर इक्वल, राइट. मैनी टू थ्री क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड हियर डिपेंडिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी. इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारा रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पैराबोला इज दैट सपोज एनी रे इज कमिंग, दिस इज द पैराबोला एंड इट इज द फोकस ऑफ अ पैराबोला. इफ एनी रे कम्स पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द एक्सिस देन इट पासिस टू फोकस ऑफ द पैराबोला आफ्टर द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सपोज इट इज अ पैराबोलिक मिरर. ये पैराबोलिक अगर मिरर हो तो इस पैराबोलिक मिरर से इसमें रिफ्लेक्शन के बाद में वो फोकस से जाएगी. एंड इससे दूसरा पॉइंट ये है कि इफ एनी रे इज कमिंग, लाइक इफ इट इज पासिस थ्रू द फोकस एंड जस्ट रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर देन इट गोज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द पैराबोला. तो इसमें पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, आपको मालूम होगा कि प्रैक्टिकल हम देखते हैं डेली लाइफ में कि जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स में जो शेप है उसकी बल्ब की, दिस इज पैराबोलिक शेप, दिस इज द पैराबोलिक शेप. और यहाँ पे एक काम और करते हैं कि जो बल्ब है दिस बल्ब दे कीप कैप एट द फोकस ऑफ द पैराबोला, उसके पर्टिकुलर फोकस पे ही उसको रखते हैं. रीजन क्योंकि तो कोई भी लाइट है यहाँ से ये लाइट निकलेगी, सो ऑल द लाइट्स goes parallel to this, so therefore we see that this goes parallel. लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट भी होता है, दैट एडजस्टमेंट ये होता है कि इसको लाइट्स होंगी, उन लाइट्स में भी दो तरह की एडजस्टमेंट होते हैं. आप सब बाइक और ये चलाते हैं, कार वगैरह चलाते हैं, तो आपको ये आइडिया होगा कि लाइट दो तरह से गिरती है. मतलब उसमें फोकस का एडजस्टमेंट होता है इसमें, कि सपोज द पॉइंट इज दिस, ये अगर पर्टिकुलरली हाईलाइट्स हैं इसकी, तो यहाँ पे दो बल्ब्स होते हैं, देर आर टू बल्ब्स हियर एंड दीज टू बल्ब्स, ये दोनों बल्ब क्या करते हैं कि फोकस को चेंज करते हैं. तो आपने देखा होगा समटाइम्स लाइट फॉल्स देयर, इस तरह से लाइट गिरती है नीचे. सो द रोड से सामने आप देखते हैं कि इस तरह से नीचे गिरती है एंड यू कैन एडजस्ट द लाइट सो इट कैन गो स्ट्रेट, तो दोनों तरह से जा सकती है लाइट, ठीक है. सो देयर इज एन अ बटन टू एडजस्ट दिस. तो ये खाली ये दो बल्ब्स हैं जो आपके बंद या दोनों को शुरू करने से जो भी एडजस्टमेंट इसमें होता है उसको करने से वो उसका फोकस चेंज करता है. फोकस चेंज करता है तो लाइट उसके अकॉर्डिंग चेंज होती है, ये हमें पता है. इसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है
देर आर सो मैनी हाईलाइट्स, सो मैनी रिजल्ट्स, सभी आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है. सो नेक्स्ट रिजल्ट इज, देखिए नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि सेमी लेटस रेक्टम. सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला इज अ हार्मोनिक मीन, इज हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन बिटवीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ, बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड विथ फोकस. राइट, सो दिस इज द पैराबोला और इसमें कोई भी अगर फोकल कॉर्ड है तो डेफिनेटली फोकस से पास हो रही है. दिस इज द SP SQ. राइट, अगर हम इसको ये बोलेंगे सो व्हाट इज देयर, दिस इज अ सेमी लेटस रेक्टम इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ SP into SQ डिवाइडेड बाय SP+SQ. और इस रिजल्ट को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 by a equals to 1 by SP plus 1 by SQ, क्योंकि इसको आप अगर सिंप्लीफाई करेंगे 1 by a, सो दिस इज द SP into SQ, LCM होगा, दैट विल गिव यू द SP into SQ. राइट, एंड इसको आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो SP into SQ डिवाइडेड बाय SP+SQ एंड 2 टाइम्स ऑफ a कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ SP into SQ डिवाइडेड बाय SP+SQ. सो देखिए ये एक प्रॉपर्टी है कि जो सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला है, दैट इज सेमी लेटस रेक्टम ऑफ पैराबोला, दिस इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड विद द फोकस. फोकस के साथ में जो ये सेगमेंट कट होते हैं दो, SP और SQ, ये इसके इक्वल होती है, हार्मोनिक मीन के इक्वल होती है. ठीक है ना, इसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट लेते हैं.